दूल्हा अपनी नींद सेक्रीफाइस करके हमें छोड़ने आया बाहर। हाँ भाई, हो गई नींद पूरी? तो यहाँ हमें ककड़ी तो बहुत टेस्टी लगी है, और उसके बाद दिव्या का मन कर गया है कुछ और खाने का। क्या? अच्छा अच्छा, इसका करण का मन। और कब से फॉलो कर रहे हो स्वाति जी हमारे व्लॉग्स? मैं आपका 2 साल से। 2 साल से, मतलब जब से मेरी जिंदगी खराब करी है तभी से। अच्छा, हाँ वही एक ही बात है। ओ ये देखो, भाभी के सर पे चोट लग गई है। ओ ये कौन है ब्रो? अरे भाई शिवू। राहुल गुरियाल में 11 बज चुके हैं और हमारा चेकअप का टाइम हो गया था 10 बजे। तो नींद तो पूरी हुई नहीं है, मेरे को तो वैसे इतनी लेट नींद आती है, जब तक आई तब तक 10 ही बजे है। राहुल तो सो भी गए थे। बैग हो चुके हैं, पैक पहुंच चुके हैं, नीचे जाना है अब हमने दिल्ली के लिए। और आज इतना अच्छा मौसम है ना, और मैं क्या ही बताऊं भाई, हमने आपको शायद पहले भी ब्लॉग्स में बता रखा है कि जब भी हम किसी सिटी से निकलते हैं ना, पीछे से उस सिटी का इतना बढ़िया वेदर हो जाता है ना। दिल्ली से हम इधर आए ना, तो दिल्ली में ना धुआंधार बारिश हुई है ना दिव्या, इसको कॉल करके बता रहे हैं मेरा भाई और भाभी कि भाई यहाँ तो इतनी खतरनाक बारिश हो रही है ना जैसी तुम गए। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं ना, तो यहाँ भी इतना अच्छा मौसम हो गया ना, हवा चल रही है और बादल आ गए, धूप बिल्कुल नहीं है, और 2 दिन जब तक हम रहे तब तक धूप ही धूप थी बस। तो चलते हैं, अभी नीचे निकलते हैं और अभी हम जाएंगे अंकल अनुराग के घर भी, तो चलते हैं, कल उनको भी बुलाते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं यार दूल्हे के घर फिर से। दूल्हा तो सो रहा है, हमने सोचा जाने से पहले नाश्ता कर लो। ये देखो यहाँ मस्त पराठे बने हुए हैं, मिक्स वेज है, दही है, तो सही है। चलो चल रहे, नाश्ता वगैरह हो गया, चलते हैं। कसम है साबुन है, ये साबुन है, कमी कमी है साबुन, बेटा कमी कमी। रुक सा, कल पिटाई ये ले कर, चलो। और ये देखो दूल्हा अपनी नींद सेक्रीफाइस करके हमें छोड़ने आया बाहर। हाँ भाई, हो गई नींद पूरी? और बहुत से कमेंट आए थे मुझे कि इनकी चेन दिखाना, ये देखो चेन। ए खुश हो रहा है लड़का, चेन दिखाओ भाई अपनी, मेरे व्यूअर्स को देखनी है कौन सी चेन मिली है ये। और ये देखो फ्रेंड्स, ये है अंगूठी भी मिली है भाई को, ये शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और 6 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली। और दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं भाई के पास हाईवे पे। देखो भाई ने लगा रखा है मालताल, जिसमें खरबूजे भी हैं, ककड़ी भी है, तरबूज भी है, खीरे भी है, और भाई ने काटी है ककड़ी। ये देखो मसाला नींबू का है, ये देखो भाई फ्रेश नींबू काटेगा। ये बात तो हमें चलते हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। नाश्ता तो हम करके आ ही चुके थे वहाँ से, हमने सोचा थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाएगा, ककड़ी खा लेते हैं। और यहाँ पीछे हालत ख़राब हो रखी है दिव्या की, तो वॉमिट कर करके आ रही है ये, पूरे रास्ते इसने वॉमिट करी है। क्यों? अच्छा तेरे को। और ये आ गई कड़की हमारी ककड़ी, कैसा है टेस्ट? अच्छा नहीं लगा टेस्ट? इससे उल्टी नहीं आएगी, मसाले इसमें पड़े हो इस तरीके के। हाँ भाई करण, कैसी लगी? बढ़िया, मजा आ गया। तो भाई बता रहे हैं इनके अपने खेत की है ये ककड़ी, तो हम सोच रहे हैं एक खेत लिया जाए ककड़ी का। क्यों? हाईवे पे लगाएगी दिव्या ककड़ी खीरे। भैया थोड़ा नमक डालना इसमें। तो यहाँ हमें ककड़ी तो बहुत टेस्टी लगी है, और उसके बाद दिव्या का मन कर गया है कुछ और खाने का। क्या? अच्छा अच्छा, इसका करण का मन, करण क्या मन करा है तेरा? वाटरमेलन। तो हमने इससे भाई से तरबूज की प्लेट, तो हम बाहर का नहीं खाते ना, मेरा ही मन था, तो हम मतलब बाहर का इतना खाते नहीं, तला फला से अच्छा है गाइस वो खाओ, हेल्दी खाओ। इसमें हल्दी डाली है तरबूज। ये आ गई हमारी तरबूज की प्लेट, रसीले रस से भरे हैं। तो गाइस ये हम खाते हैं और इसको भी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे है टेस्ट। दिव्या बता, ऐसे बोलिए कैसे है रसीला, बता दे। इतना टाइम वीडियो 10 मिनट की इसी में खींच देगी क्या तेरे लिए? मीठा वाला बता है,
ठीक है, कह रही है हाँ है रसीला। अभी हम हैं पुल पर और जहाँ से दोनों साइड हमारे गंगा जी बह रही है, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है गंगा मैया, जय गंगा मैया। दोस्तों यहाँ गूगल मैप ने कोई गलत रास्ता दिखा दिया, पर गलत रास्ता हमें थोड़ी सही फीलिंग दे रहा है, ऐसी खेतों वाली फीलिंग दे दी इसने। मस्त हरियाली हो रही है पूरे देखो रास्ते पे। हाँ अब जाके पहुँच गए हम हाईवे पे, पेड़ पौधे आनंद ही आनंद, जय माता दी। देखो माता जी के दर्शन भी कर लो आप लोग। मजा आ रहा है आज ड्राइविंग करते हुए? आज का मौसम भी खतरनाक है ना, मौसम भी अच्छा है, तो चलते हैं इस मौसम में गाने गाते हुए और फिर मिलते हैं आपसे। हम यहाँ पर रुक गए एक जगह क्योंकि बहुत टाइम से चल रहे हैं, हमने सोचा क्यों ना चाय पी जाए। तो काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद ये देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं शिवा टूरिस्ट ढाबा पर, और देखते हैं कि क्या खाएंगे हम। यहाँ हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए जो कि हमारे पड़ोसी भी हैं। हाँ, और ये द्वारका से ही हैं। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा अपना नाम बताओ। मेरा नाम सागर एंड माय वाइफ स्वाति। सागर एंड स्वाति, देखो बहुत ही अच्छा कपल है ये हमारे साथ। ये मेरी सास। अच्छा नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। तो ये हम जहाँ पर शिवा ढाबा में रुके हैं यहीं बैठे, और यहाँ बैठे हुए थे भैया कह रहे यार ये तो वो लग रहे हैं कहीं राहुल, देखे देखे। और ब्लॉगिंग वैसे ये देखते हैं बता रहे हैं, लेकिन पहचाना ही इन्होंने, ये पूछ रही कौन राहुल। एकदम से कहाँ से ऑनेस्टली जब ये ब्लॉग देखते थे तो आई वाज लाइक कि मैं भी सेक्टर 14, क्योंकि आपने एक शो किया था ब्लॉग बनाया था सेक्टर 14 में कोई आया। हाँ 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 हाँ, रोहित चौहान। हाँ रोहित चौहान जी। हाँ तो उस टाइम पे मैंने कहा था, मैंने कहा यार हाँ हमारे वहीं आते रहते हैं, मैं भी क्या पता कभी मिल जाए। अभी तहलका भाई भी आए थे वेगस मॉल में, एक्चुअली वेगस मॉल में ही मेरा ऑफिस है। अच्छा, मैंने कहा उनसे तो मौका मिल गया, मिलने का आज आपसे मिल गया, सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चलो काफी अच्छा लगा हमें भी आप लोगों से मिल गए। और कब से फॉलो कर रहे हो स्वाति जी हमारे व्लॉग्स? मैं आपका 2 साल से। 2 साल मतलब जब से मेरी जिंदगी खराब करी है तभी से। हाँ वही एक ही बात है, बस वर्ड्स बदल के बोल दिए मैंने, मैंने सच्चाई बोल दी। मैंने आपका सबसे पहला व्लॉग देखा था, वो शादी करने के लिए बोलते हैं बस कैसे करवाएंगे, है ना लालच। चलो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, थैंक यू। तो गाइज हमारा पेट फुल है, तो इसलिए हमने सिर्फ मंगवा लिया है ब्रेड टोस्ट और चाय, और करारी करके लाए हैं भैया एकदम, तो खाते हैं जल्दी से इसे और फिर निकलते हैं आगे दिल्ली के लिए। सो हम लोगों ने ब्रेड मक्खन खा लिया है, चाय पी ली है दो दो, और मज़े आ गए हैं, दिव्या के भी मज़े आ गए हैं, और काफ़ी अच्छा कपल था जो हमें अंदर मिला आप लोगों ने देखा। चलो ये देखिए दोस्तों, तो जब हम आए थे सनराइज हो रहा था, और जब हम वापस जा रहे हैं तो अब सनसेट हो रहा है, तो ऐसे ही हम भी सुबह निकले और रात को घर पहुंचते हुए, परसों सुबह के निकले हुए आज रात को घर पहुंचते हुए, और ये देख सकते हैं आप हमने दिल्ली एंटर कर लिया है, बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे घर भी। तो घर तो हम पहुँच जाएंगे। करण कैसा रहा बता, पूरा ट्रिप कैसा रहा? बहुत बढ़िया ट्रिप था, मजा आ गया एक नंबर। दिव्या तू बता। अच्छा था, छोटा था पर अच्छा था। छोटा पर आज का मौसम देख के ना मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था, हमें मन कर रहा था कि वहीं रुक जाए, क्योंकि उन्होंने घर से बाहर निकाला है, घर निकलो यहाँ से, घर जाओ। तो गाइस हाँ मैं बताना चाहता हूँ, मम्मी पापा भी उत्तरकाशी गए हुए हैं, क्योंकि मेरे चाचा के बेटे का मुंडन है, मतलब मेरे कजन ब्रदर के बेटे का मुंडन है, तो उसके लिए मम्मी और पापा दोनों गए हुए हैं उत्तरकाशी, और इस वजह से हमें घर जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि भाभी अनुज और श्री भी अकेले हैं, मतलब 3 जने अकेले हैं। तो हम जल्दी पहुँचेंगे घर, तो श्रीवी का भी मन लग जाएगा हमारे साथ। पहुँचते हैं घर, मिलवाते हैं आपको श्रीवी से, बने रहे हमारे साथ और व्लॉग को एंजॉय करें। दोस्तों देखो हमारे साथ एक छोटी बच्ची है, इसने क्या लिया है रेड लाइट से, ये देखो लट्टू, लाइट वाला लट्टू, वो खुश हो गई है, बस ये यही कर दिया, नाम लेती है श्रीवी का कि मैं श्रीवी के लिए ले रही हूँ, श्रीवी के लिए ले रही हूँ, और अपने लिए लेती है श्रीवी के। मैं बता दूं आपको सारे खिलौने है ना ये यूज कर रही है,
उसको कुछ नहीं देती है। बेवकूफ बनाती है यहाँ पर कि श्रीवी को दे रही हूँ, श्रीवी को दे रही हूँ। लाइट ले, लाइट तो घर में बहुत है, खेलती भी है वो उससे, देखती रहती है लाइट को। झूठी कहीं की झूठी कहीं की। और ये देखो ये कॉल है, कॉल है ब्रो। अरे भाई शिवू किसका बच्चा, मेरा 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 किसका, खुश हो गए? अरे मैंने पैर नहीं छुए किसी के। राम राम भाई, राम राम, राम राम भाई। और ये देखो ये भाभी और अनु, जिनके लिए हमें जल्दी आना पड़ा, घर वाले हैं। क्या करा दिया? ओ ये देखो भाभी के सर पे चोट लग गई है, हमारी आज में सर मार दिया दीवार में है, इतनी याद आ रही थी। शिवू शिवू। और ये राधा भाभी भी आ रखी है, हेलो भाभी कैसे हो, बढ़िया। और मम्मी पापा नहीं है तो भाभी आ जाती है यहाँ बैठने के लिए, और इनकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा, वरना वहाँ रुक जाते, उसी की तो चिंता थी, अकेले मार मूल ना देते मेरे भाई को। और ओए मेरे को लग रहा है इनकी हाथापाई हुई खतरनाक, अनुज ने पहन लिया। क्यों कह रहे पहले पुलिस केस करवाओ। और ये देखो कौन आया है, बेबी शोक, बेबी शोक चाचू 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 गुजु 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 गुजु। दो दिन तक कहाँ थी, कहाँ थे, मारो चाचू को लात मारो, चाचू को नहीं मारोगे ना, चाचू तो अच्छे है ना, अला चाचू तो अच्छे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर पर, और यहाँ पर आपने देख लिया कौन कौन बैठे हुए, मम्मी पापा मैं बता ही चुका हूँ, गए हुए हैं उत्तरकाशी के लिए। तो अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और बाद में मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों ऊपर आके मैं हो गया हूँ फ्रेश, और इतनी थकावट हो रही है ना, मतलब ये आज की थकावट नहीं है, ये 3-4 दिन की थकावट है। मतलब इन 3-4 दिन में खूब डांस करा, खूब मस्ती करी, ट्रैवल करा, इस वजह से बहुत थक गए मैं, दिव्या, करण भी थक गया होगा बेचारा, ड्राइव करता हुआ भी आया हो। तो आपने देखा कि मैं अपने दोस्त की शादी के सारे व्लॉग्स आपके लिए लेके आया, चाहे उसका मेहंदी हो, चाहे उसकी हल्दी हो, उसके घर जाना, उनसे मिलवाना, सब कुछ मैंने आपको दिखाया। आप लोगों को पसंद आया ना पसंद आया आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे के लिए भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले, जिसमें श्रीवी का अनप्राशन भी होगा, घर वाले भी आने वाले हैं कल, तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, आप लोग बस बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है? आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करो और आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जैसे मैंने बोला शेयर करो। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। yeah!